आप सबका इस्तकबाल है MFI TV न्यूज पर। शालीबंडा के इलाके अली नगर एरिया में 35 साल खातून की लाश दस्तियाब हुई। तफसीलात के मुताबिक 35 साल शादीशुदा जो आलिमा है अस्मा बेगम का कत्ल किया गया। अस्मा बेगम के घर वालों का कहना है कि अस्मा के शौहर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कत्ल किया है। अस्मा बेगम की लाश अली नगर एरिया में दस्तियाब हुई। शालीबंडा पुलिस ने लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया पोस्टमार्टम के लिए और एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ACP फलकनुमा श्री MA माजिद के तहत शहर हैदराबाद में पिछले 10 दिनों से कत्ल के वाकयात सुनने में आ रहे हैं। दिन पे दिन हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये एक चैलेंज बनते जा रहा है। अब देखना ये होगा पुलिस इस केसेस को कैसे हल करेगी। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर सैयद इरफान की ये खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबरों के लिए MFI TV न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें। उस्मानिया हॉस्पिटल से अपने एक इंटीमेशन आया, एक अस्मा बेगम बोल के लड़की 35 साल का उम्र है, उनका शादी होकर 9 साल हो रहा, 3 बच्चे हैं उनके, तो उनके हस्बैंड उनको उनके बीवी को मारने से उनका इंतकाल हो गया बोल के उन्होंने कंप्लेंट दी है। उस कंप्लेंट पे शालीबंडा पुलिस स्टेशन में एक 302 APC सेक्शन में FIR बुक हुआ। पोस्टमार्टम के बाद अपने को मालूम पड़ता क्योंकि उनका काज ऑफ डेथ क्या है वो पूरा मालूम पड़ता। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अपने को जो डिटेल्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर ये मैरिज कब हुआ था सर, इनका कितना लड़का? 2011 में हुआ, 9 साल हो गया उनका शादी होके, उनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, लड़की है। सर क्या इनके पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है उनके पीछे? हाँ, उनके मरहूम के जो है उनके पेरेंट्स वही बोल रहे हैं, उनके भाई वो लोग वही बोल रहे हैं क्योंकि ये शोहर जो मारने से उनका डेथ हो गया बोल के बोल रहे हैं, शोहर और उनके घर वालों का। ఏమన్నా నేర చరిత్ర ఉందా సార్ ఇతంది? లేదు, ఏం లేదు, అలాంటిది ఏం లేదు. ఇది భార్యాభర్తల సంబంధించిన విషయం. వరకట్నం వేధింపులు అట్లాంటిది ఏమన్నా? వరకట్నం సంబంధించిన కూడా ఏం లేదు. అంటే ఒక యాక్సిడెంటల్ గా జరిగింది అనుకోవచ్చా సార్? దీచరి భార్యాభర్తల మధ్యలో చిన్న చిన్న గొడవలు అయ్యేటి అట.